हाय गाइज, वेलकम टू यू की गाइड। आई होप यू ऑल आर वेल। नाउ आज के लेसन में हम सीखेंगे कि आप कैसे प्ले कर सकते हैं द वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग पहाड़ों में बाय सलमान इलाही। सो दिस सॉन्ग हैज़ रिसेंटली बीन अ ह्यूज हिट और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था दैट आई शुड कम अप विद अ डिटेल्ड लेसन ऑन दिस सॉन्ग। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट लाइक एंड यू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन कंटिन्यू ब्रिंगिंग लेसन्स लाइक दिस इन फ्यूचर। नाउ वंस यू ऑल सेट, यू टेक आउट योर यूक, you tune it in standard tune and let's start with the lesson. तो गाइज इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए हमें चाहिए चार आसान से कॉर्ड्स और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड सी, कॉर्ड ई माइनर, कॉर्ड एफ एंड कॉर्ड जी। नाउ अगर आपको ये कॉर्ड्स ऑलरेडी प्ले करने आते हैं सो दैट्स वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली जा सकते हैं टू द स्ट्रमिंग सेक्शन ऑफ दिस लेसन। एल्स लेट्स फर्स्ट लर्न हाउ टू प्ले दीज कॉर्ड्स। सो सबसे पहले कॉर्ड सी को प्ले करने के लिए आपको प्लेस करनी है आपकी रिंग फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड कॉर्ड सी शुड साउंड लाइक दिस। टू प्ले कॉर्ड ई माइनर यू नीड टू प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन सेकेंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, your middle finger on 3rd fret 2nd string and your ring finger on 4th fret 3rd string and chord E minor should sound like this. To play chord F, you need to place your index finger on 1st fret 2nd string and your middle finger on 2nd fret 4th string and chord F should sound like this. To play chord G, you need to place your index finger on 2nd fret 3rd string, your middle finger on 2nd fret 1st string and your ring finger on 3rd fret 2nd string and chord G should sound like this. So guys, अब बात करते हैं strumming pattern की और इस song में हम use कर रहे हैं the strumming pattern with a chuck stroke. So let me first quickly play it for you and then I'm going to explain you each and every bit in detail. तो गाइज इस स्ट्रमिंग पैटर्न को प्ले करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई एम गोना डिस्कस राइट नाउ। सो टू अंडरस्टैंड इट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड यू होल्ड कॉर्ड सी फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस। सो जस्ट होल्ड कॉर्ड सी लाइक दिस और अपने राइट हैंड से यू स्टार्ट प्लेइंग द पैटर्न। और इस पैटर्न को प्ले करने के लिए आपको चाहिए डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, chuck stroke and then another up stroke. So down, up, chuck, up, down, up, chuck, up, down, up, chuck, up, down, up, chuck, up. Okay, so जब आप इसको play करेंगे तो ये कुछ इस तरह से sound करेगा। बहुत ही स्लो एंड ईजी, ट्राई प्रैक्टिसिंग इट ऑन ऑल द कॉर्ड्स। सो कॉर्ड सी, देन कॉर्ड ई माइनर, देन कॉर्ड एफ, एंड देन कॉर्ड जी। नाउ गाइज अगर आप चेकिंग से फेमिलियर नहीं है सो आई वुड रिकमेंड दैट यू फर्स्ट चेक आउट माई अर्लियर लेसन जिसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट चेकिंग टेक्निक इन डिटेल। सो गाइज दैट्स इट, इट्स अ वेरी इजी सॉन्ग। अगर आप इस पैटर्न को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो बाकी का सॉन्ग प्ले करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सॉन्ग में एट सम पॉइंट वी विल बी प्लेइंग सिंगल डाउन स्ट्रोक्स which would be very easy for you guys. तो आपको बस ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें which I will be explaining you in the song play part और सारे इंस्ट्रक्शंस आपको सॉन्ग प्ले पार्ट में ऑलरेडी मिल जाएंगे। सो विद दिस लेट्स क्विकली जंप इनटू द सॉन्ग प्ले पार्ट एंड सी एवरीथिंग इन रियल एक्शन। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। अरे कोई तो जाओ उसे बुलाओ, अरे कोई तो जाओ उसे बुलाओ, न माने तो फिर डांट भी लगाओ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं